हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर पिक्चर डिक्शनरी बुक ऑफ क्लास सेकंड इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड 13 लेसन इन अवर लास्ट वीडियो। अपने लास्ट वीडियो तक अपन 13 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी इस पिक्चर डिक्शनरी बुक का एंड टूडे वी हैव टू स्टार्ट अवर 14th लेसन। और आज हमें स्टार्ट करना है अपना 14th लेसन विच इज इंसेक्ट्स, जो कि है कीट। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े या कीट जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये लेसन आज हमें स्टार्ट करना है जिसमें डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कीड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि अपन हर बार करते हैं, वी हैव टू रिवाइज वंस द सिलेबस विच वी हैव कंप्लीटेड एज ए रिटन वर्क इन अवर नोटबुक। जो सिलेबस हमने नोटबुक में रिटर्न वर्क के रूप में कंप्लीट किया है अभी तक, उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आज का ये जो न्यू लेसन है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ द रिटर्न वर्क। तो आइए शुरू करते हैं रिटर्न वर्क की प्रैक्टिस। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको कहना चाहूंगा दैट यू शुड ट्राई टू प्रनंस विद मी। आप मेरे साथ में बोलने का प्रयास करें, नॉट आफ्टर मी, मेरे बाद नहीं बोलना है, विद मी, मेरे साथ बोलना है आपको। तो अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन वर्क। आइए शुरू करते हैं अपना रिविजन वर्क। लेसन वन, माई स्कूल, मेरा विद्यालय। CLAWS क्लास, RWM रूम, क्लासरूम मीन्स कक्षा कक्ष, PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, MUSIC म्यूजिक, RWM रूम, म्यूजिक रूम मीन्स संगीत कक्ष। लेसन नंबर टू, STATIONERY स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री, PENCIL पेंसिल मीन्स पेंसिल, PEN पेन मीन्स पेन, SHARP शार्प, NER शार्पनर मीन्स शार्पनर, ERASER इरेजर मीन्स इरेजर या रबर, COLOURED कलर्ड, PENCILS पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स मीन्स रंगीन पेंसिलें, PAINT पेंट, BRUSH ब्रश, पेंट ब्रश मीन्स पेंट ब्रश, INKPOT इंक पॉट मीन्स दवात, CRAYONS क्रेयॉन्स मीन्स मोम कलर, SCALE स्केल मीन्स पैमाना, PIN पिन मीन्स पिन, NOTEPAD नोट पैड मीन्स लिखने की डायरी। लेसन नंबर थ्री, माई टॉयज, मेरे खिलौने। BLOCKS ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स, FWT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, DOLL डॉल मीन्स गुड़िया, TEDDY टेडी, BEAR बियर, टेडी बियर मीन्स टेडी बियर, DRUM ड्रम मीन्स ढोल, ROCKING रॉकिंग, HORSE हॉर्स, रॉकिंग हॉर्स मीन्स हिलता घोड़ा, BALL बॉल मीन्स गेंद, BAT बैट मीन्स बल्ला, TRI ट्राई, CYCLE साइकिल, ट्राई साइकिल मीन्स तीन पहियों की साइकिल, MARBLES मार्बल्स मीन्स कंचे, DUCK डक, TOY टॉय, डक टॉय मीन्स बत्तख खिलौना। लेसन नंबर फोर, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। MONITER मॉनिटर, KEY की, BORD बोर्ड कीबोर्ड, CPU means CPU, UPS means UPS, MOUSE mouse, PEN pen, DRIVE drive, pen drive, CD means CD, SPEAKERS speakers, PRINTER printer, SCANNER scanner। Lesson number 5, KITCHEN kitchen means रसोई घर, CHIMNEY चिमनी मीन्स चिमनी, BASKET बास्केट मीन्स टोकरी, CUPBOARD कबर्ड मीन्स अलमारी,
WINDOW विंडो मीन्स खिड़की, TAP टेप मीन्स नल, COKER कुकर मीन्स कुकर, REFRIGERATOR रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, SINK सिंक मीन्स बर्तन धोने का टब, GAS गैस, STOVE स्टोव गैस स्टोव यानी गैस का चूल्हा, CYLINDER सिलेंडर मीन्स सिलेंडर, TOASTER टोस्टर मीन्स टोस्टर, SERVING सर्विंग, SPWNS स्पून्स सर्विंग स्पून्स यानी परोसने के चम्मच, FRUITS फ्रूट्स मीन्स फल, VEGETABLES वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। लेसन नंबर 6 BATH बाथ, RWM रूम बाथरूम मीन्स स्नान घर, BUCKET बकेट मीन्स बाल्टी, SOAP सोप मीन्स साबुन, OIL ऑयल मीन्स तेल, MUG मग मीन्स मग, TOWEL टावल मीन्स तौलिया, SHOWER शावर मीन्स फवारा, MIRROR मिरर मीन्स दर्पण, SHAMPO शैम्पो मीन्स शैम्पो, WASH वॉश, BASIN बिन बेसिन वॉश बेसिन मीन्स हाथ धोने का स्थान, COWODE कमोड मीन्स शौच के लिए बैठने का स्थान, BATHING बाथिंग, TUB टब बाथिंग टब यानी स्नान करने का टब, TAP टैप मीन्स नल, TUB टब मीन्स टब। लेसन नंबर 7 फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स मीन्स फल, CHERRY चेरी मीन्स चेरी, WATER वॉटर, MELON मेलन वॉटर मेलन यानी तरबूज, PLUM प्लम मीन्स बेर, MELON मेलन मीन्स खरबूजा, KIWI कीवी मीन्स कीवी। लेसन नंबर 8 वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, TAMATO टोमेटो मीन्स टमाटर, GARLIC गार्लिक मीन्स लहसुन, GINGER जिंजर मीन्स अदरक, SPINACH स्पिनिच मीन्स पालक, BITTER बिटर, GOURD गॉर्ड बिटर गॉर्ड मीन्स करेला, MUSHROWM मशरूम मीन्स मशरूम, SWWT स्वीट, POTATO पटेटो स्वीट पटेटो मीन्स शकरकंद, BOTTLE बॉटल, GOURD गॉर्ड बॉटल गॉर्ड यानी लौकी। लेसन नंबर 9 BIRDS बर्ड्स मीन्स पक्षी, KING किंग, FISHER फिशर किंग फिशर मीन्स नीलकंठ, SWAN स्वान मीन्स हंस, VULTURE वल्चर मीन्स गिद्ध, CRANE क्रेन मीन्स सारस, TOUCAN टुकेन मीन्स टुकेन। लेसन नंबर 10 RAILWAY रेलवे, STATION स्टेशन रेलवे स्टेशन, TRAIN ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, PAWSENGERS पैसेंजर्स मीन्स यात्रीगण, SUIT सूट, CASE केस सूट केस मीन्स कपड़े रखने का बॉक्स, PLAT FORM प्लेटफॉर्म, NUMBER नंबर प्लेटफॉर्म नंबर, TICKET टिकेट, COUNTER काउंटर टिकट काउंटर यानी टिकट मिलने का स्थान, CLOCK क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी, BOOK बुक, STALL स्टॉल बुक स्टॉल मीन्स पुस्तकों की दुकान, TEAT मीन्स चाय, STALL स्टॉल टी स्टॉल मीन्स चाय की दुकान, COLIE कुली मीन्स सामान उठाने वाला व्यक्ति, LUGGAGE लगेज मीन्स सामान। लेसन नंबर 11 वॉटर एनिमल्स यानी जल में रहने वाले जीव या जलीय जानवर, FISH फिश मीन्स मछली, SHARK शार्क मीन्स शार्क मछली, CRAB क्रैब मीन्स केकड़ा, DOLPHIN डॉल्फिन मीन्स डॉल्फिन मछली, CROCODILE
क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, WHALE व्हेल मीन्स व्हेल मछली, SEAHORSE सी हॉर्स मीन्स समुद्री घोड़ा, STAR स्टार, FISH फिश, स्टार फिश यानी तारा मछली, WALRUS वेलरस मीन्स समुद्री गाय या घोड़ा, TURTLE टर्टल मीन्स कछुआ, LOBSTAR लोबस्टर मीन्स झींगा मछली, OCTOPUS ऑक्टोपस मीन्स आठ टांगों वाला समुद्री जीव। लेसन नंबर 12 आउटडोर गेम्स बाहर खेले जाने वाले गेम्स। CRICKET क्रिकेट, KHOKHO खो खो, BADMINTON बैडमिंटन, BASKET बास्केट, BALL बॉल बास्केट बॉल, HOCKEY हॉकी, FWT फुट, BALL बॉल फुटबॉल। लेसन नंबर 13 क्लॉथ्स CLOTHES क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, SWEATER स्वेटर मीन्स स्वेटर, SKIRT स्कर्ट मीन्स स्कर्ट, GLOVES ग्लव्स मीन्स दस्ताने, SOCKS सॉक्स मीन्स मोजे, CAP कैप मीन्स टोपी, HAT हैट मीन्स टॉप, VEST वेस्ट मीन्स बनियान। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द स्पेलिंग्स विच वी हैव कंप्लीटेड इन अवर नोटबुक्स एज ए रिटन वर्क। रिटन वर्क के रूप में जो भी स्पेलिंग्स अभी तक अपन ने कर रखी है अपनी नोटबुक में, उनकी अपन ने एक बार प्रैक्टिस कर ली है। अगर इसी तरह आप इनकी प्रैक्टिस करें रोजाना, तो आप इनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो लर्निंग इज एक्चुअल में लर्निंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिटन वर्क से भी, क्योंकि जब आप चीज़ों को लर्न करेंगे तभी तो एग्जाम में लिख पाएंगे आप। सो लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिटन वर्क। रिटन वर्क से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है लर्निंग। तो न्यू लेसन हमें स्टार्ट करना है, तो हर न्यू लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम मेंशन करते हैं उसका लेसन नंबर और लेसन का नेम। तो लेसन का नंबर मेंशन करने के लिए हमें ड्रॉ करनी है एक शॉर्ट लाइन राइट साइड में, और उसका नेम मेंशन करने के लिए हमें ड्रॉ करनी है एक लॉन्ग लाइन यहां पर। तो दोनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम यहां पर मेंशन करने वाले हैं इंसेक्ट्स। इस लेसन का नेम INSECTS इंसेक्ट्स, और यहां पर लिखेंगे हम लेसन LESSON लेसन है ये 14। तो लेसन 14 और इस लेसन का नेम है इंसेक्ट्स यानी कीट। हिंदी में भी यहां लिख देते हैं अपन कीट। कीट का मतलब होता है जिसको अपन नॉर्मली अपन हाबू कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसको इंसेक्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कीट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा इनसे। देखिए ये आप जानते होंगे इसको, ये मक्खी कहते हैं अपन इसको, इसको इंग्लिश में हाउस फ्लाई कहते हैं। ऐसा भी ये कीड़ा आपने देखा होगा रेड कलर का, ये लेडी बर्ड कहलाता है, हिंदी में इसको गुबरेला कहते हैं। ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, हिंदी में इसको तिलचट्टा कहते हैं। ये इस तरह का कीट भी आपने देखा होगा, इसको बीटल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भृंग कहते हैं इसको, भृंग। ये देखो ऐसा भी कीट होता है जिस पीछे से पत्ती जैसा होता है, कई टाइप के कीट होते हैं, पत्ती लगी हुई रहती है जैसे कोई उसके बॉडी पर। तो ये लीफ इंसेक्ट है यानी पर्ण कीट, पर्ण यानी पत्ती का कीट, लीफ इंसेक्ट। ये मच्छर है जिसको इंग्लिश में मॉस्किटो कहते हैं। ये ततैया है जिसको अपन ततैया को अपन टांटिया कहते हैं, इसको वेस्प कहते हैं ततैया को, हिंदी में ततैया कहते हैं। और ये स्पाइडर है यानी मकड़ी कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये अब मैं रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये आपको भी अपनी नोटबुक में करनी है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अपनी पेंसिल को शार्प करते रहें बीच बीच में, और डार्क लेटर्स लिखने की कोशिश करें, और पेंसिल भी शार्प रहनी चाहिए। तो सबसे पहली स्पेलिंग है हाउस फ्लाई, HOUSEFLY HOUSEFLY इसका प्रोनंसिएशन है हाउस फ्लाई,
हा ऊ से आधा फ ला और ई हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई यानी मक्खी। मैं पूरा आधा सॉरी आधा क, यहां पर क लिखना था, आधा क और खी मक्खी के लिए हम लिखेंगे यहां पर आधा क और खी मक्खी। तो हाउस फ्लाई मीन्स हो गई मक्खी। सेकंड स्पेलिंग है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड एल ए डी वाई बी आई आर डी लेडी बर्ड। प्रोनाउंसिएशन है इसका ले डी ब के ऊपर ड के ऊपर रह लेडी बर्ड। लेडी मीन्स बर्ड मीन्स गुबरेला गुबरेला। नेक्स्ट स्पेलिंग है कॉकरोच। सी ओ सी के कॉक, वैसे कॉक यानी मुर्गा होता है। सी ओ सी के केवल इतनी सी स्पेलिंग हो ना तो कॉक यानी मुर्गा होता है, लेकिन यहां पर इसके आगे और है आर ओ ए सी एच आर ओ ए आर ओ ए सी एच कॉकरोच। का के ऊपर ओ की मात्रा कॉ क रो च कॉकरोच। कॉकरोच मीन्स है तिलचट्टा। त के छोटी की मात्रा ल च और ट के नीचे ट तिलचट्टा। कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा। और बीटल नेक्स्ट स्पेलिंग है बीटल बी डबल ई टी एल ई बी डबल ई टी एल ई ब के बड़ी की मात्रा ट और ल बीटल। बीटल मीन्स होता है हिंदी में भृंग। भ के नीचे री की मात्रा और बिंदु और ग भृंग। नेक्स्ट स्पेलिंग है लीफ इंसेक्ट एल ई ए एफ लीफ और इंसेक्ट अलग से है आई एन एस एस ई सी टी इंसेक्ट लीफ इंसेक्ट लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट का मतलब है पर्ण कीट। पर्ण का मतलब पत्ती होती है, कीट का मतलब इंसेक्ट होता है। लीफ इंसेक्ट का मतलब है पर्ण कीट। पेंसिल को शार्प कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं, पेंसिल शार्प करते रहना चाहिए बीच बीच में। नेक्स्ट है मॉस्किटो एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ क्यू यू आई टी ओ मॉस्किटो। मैं के आ की मात्रा ओ की मात्रा क के बड़ी की मात्रा और ओ की मात्रा मॉस्किटो यानी मच्छर। मैं आधा चय छ और र मॉस्किटो मीन्स मच्छर। नेक्स्ट स्पेलिंग है वेस्प डब्ल्यू ए एस पी डब्ल्यू ए एस पी वेस्प। वेस्प का मतलब है ततैया, जिसको अपन टांटिया भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। त के ऊपर आई ततैया। और लास्ट स्पेलिंग है स्पाइडर एस पी आई डी ई आर स्पाइडर। आधा स प के आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा ड और र स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। म क ड के नीचे बिंदु भी लगाना और ई बड़ी की मात्रा मकड़ी।
सो स्टूडेंट्स, दीज आर द स्पेलिंग ऑफ दिस लेसन. ये थी आज की स्पेलिंग्स जो हम लोगों को करनी थी रिटर्न वर्क में. लेसन का नेम और नंबर हम लोगों ने लिखा है. आइए काउंट कर लेते हैं कितनी स्पेलिंग्स लिखी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वी हैव कंप्लीटेड 8 स्पेलिंग्स. एंड हाउ मैनी स्पेलिंग्स आर देयर इन द बुक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have completed all the spellings which contains the lesson. जो lesson में content थी यानी उपस्थित थी वो सारी spellings हम लोग लिख चुके हैं अपनी notebook में. You have to also do this written work. आपको भी ये written work करना है in your notebooks. And please do the written work in a good handwriting. Please sharpen the pencil again and again. बार बार pencil को sharp करते रहें. Use a good pencil. And try to write dark letters लिखने की कोशिश करें. And try to learn the spellings also. और इन spellings को learn करने की भी कोशिश करें. Okay dear students, have a nice day. See you and bye.